जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्जम शाहजेब जतोई और दीगर की अपीलों के ऊपर समाअत की और इस मौके पर लतीफ खोसा जो फरीकैन के वकील थे उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से लगाई गई दफात को पहले ही अदालत उज़्मा ख़त्म कर चुकी है। मुल्जमान और मुद्दईयों के दरमियान जो है आपस में सुलह हो चुकी है। फरीकैन जो है वो राजीनामा के बाद इस केस को मजीद चलाया नहीं जा सकता। इस पर अदालत ने मुल्जमान की जो उम्र कैद की सजाएं थी जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दी गई थी उन्हें ख़त्म करते हुए मुल्जमान को बरी कर दिया है।